अगर आप किसी ऑफबीट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं तो एशिया और यूरोप के बीच फंसा हुआ जॉर्जिया आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। और जॉर्जिया के परफेक्ट होने की 5 वजह, जॉर्जिया का ट्रेवल प्लान कैसे कर सकते हैं, एक हफ्ते की आइटनरी क्या होगी और कितना खर्चा होगा, यही मुद्दा इस वीडियो का। हाय, मैं हूँ सौरभ और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बॉन्डिंग मॉन्क में। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 रीजन्स की जिनकी वजह से जॉर्जिया है एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन। नंबर 1 है अमेजिंग लैंडस्केप्स, राइट फ्रॉम कॉकेसस माउंटेन टू ब्लैक सी के कोस्ट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सीनरी है। और रीज़न नंबर 2 है वहाँ का हेरिटेज, बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जॉर्जिया के अंदर, बहुत सारे चर्चेज हैं, फोर्ट्रेस हैं, अगर आप हिस्ट्री के बफ हैं आपको ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। रीज़न नंबर 3 है एक्सेसिबिलिटी, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट से, इनफैक्ट दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है टिबलिसी के लिए जो लगभग 5 घंटे में आपको पहुँचा देती है टिबलिसी। रीज़न नंबर 4 है वीज़ा, बहुत आसानी से मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और लगभग 4 से 5 दिन में आपको ई वीज़ा आपके ईमेल आईडी पे मिल जाता है। सबसे बड़ा और 5वां जो रीज़न है वो है वैल्यू फॉर मनी, चाहे वो एकोमोडेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या फूड की बात करें। अगर आप जॉर्जिया जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कंट्री है जॉर्जिया। आई एम श्योर आप ये 5 रीजन सुनने के बाद कन्विंस हो गए होंगे कि जॉर्जिया आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल अगर आप ऑफबीट प्लान कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैवल प्लान किया कैसे जाए। ट्रैवल प्लानिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें कंसीडर करनी होती है और प्लान करनी होती है। सबसे पहले जो कंसीडर करने वाला पॉइंट होता है वो ये कि कब जाना चाहिए। जॉर्जिया वैसे ईयर राउंड डेस्टिनेशन है, कभी भी जाएंगे डिसअपॉइंट नहीं होंगे, पर रिकमेंडेड है कि आप अप्रैल से सेप्टेम्बर के बीच में, मोस्ट प्रेफरेबल मई टू सेप्टेम्बर के बीच में जाएँ। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और पूरी की पूरी कंट्री बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। अगर आप विंटर और स्नो के शौकीन हैं, स्कीइंग पसंद है, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च में भी ट्रैवल कर सकते हैं। वेन के बाद मुद्दा आता है कि कितने दिनों के लिए आपको ट्रिप प्लान करना चाहिए जॉर्जिया जाने के लिए। तो मैंने एक हफ्ते का लगभग ट्रिप किया था, 7 डेज मैंने अप्रॉक्सीमेटली बिताए थे, तो कम से कम 7 दिन, मैक्सिमम 10 से 12 दिन आप रख सकते हैं। और इस वीडियो में कन्वीनियंस के लिए मैंने 7 दिनों की आइटिनरी पिक की है, तो आप 7 दिनों के लिए अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं जॉर्जिया का। इसके बाद बात करते हैं कि हम कैसे पहुँच सकते हैं जॉर्जिया। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं इंडिगो की चलती हैं, लगभग 5 घंटे लगते हैं, आप 5 घंटे में दिल्ली से टिबलिसी पहुंच सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ढंग से प्लान करेंगे तो 25,000 से 30,000 के बीच में आपको टिकट्स पड़ती हैं राउंड ट्रिप की। अगर आप और किसी सिटी से जाना चाहें तो वाया दिल्ली जा सकते हैं। फ्लाइट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है वीज़ा, कैसे मिलेगा वीज़ा। जॉर्जिया का ई वीज़ा काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, उनकी ई वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। वहाँ पर आपको जाके अप्लाई करना होता है, 2-3 स्टेप्स हैं। उसके बाद आपको मेल में एक लिंक आता है, उस लिंक पे जाके आपको पे करना होता है कुछ $20। $20 पे करने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है जिसमें ड्यू वेरीफाई करके एक यूएई की कंपनी है, हमारे जैसे वीज़ा एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस को, उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करते हैं। उसके लिए ड्यू वेरीफाई से आपके पास मेल आती है। फ़ोटो और पासपोर्ट आपको फर्स्ट स्टेप में अपलोड करने होते हैं जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं। ड्यू वेरीफाई के टाइम पर आपको आधार वेरीफाई करना होता है, साथ ही साथ आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स का सिंपली आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन से डाउनलोड कीजिए PDF फॉर्म में और उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद ड्यू वेरीफाई भी आपको $15 पे करने के लिए बोलता है, और जब आप पे कर देंगे तो प्रोसेस शुरू होता है। और इस प्रोसेस में टोटल 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। एक PDF फॉर्मेट में आपके पास ई वीज़ा आ जाता है जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके जॉर्जिया आसानी से जा सकते हैं। वीज़ा के बाद अगर हम लोग बात करें ट्रैवल इंश्योरेंस की, तो ट्रैवल इंश्योरेंस एज सच मैंडेटरी नहीं है, बट हाईली रिकमेंडेड है जॉर्जियन गवर्नमेंट की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। 500 से 1,000 रुपये के बीच में खर्चा होता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, कितने दिनों के लिए ट्रैवल करें इस पर डिपेंड करता है कि कितना खर्चा होने वाला है। पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पर निकलिए। इसके बाद करते हैं सिम कार्ड की। सिम कार्ड बहुत सस्ते हैं, मतलब 5 GB, 6 GB का सिम कार्ड मैंने कुटेसी एयरपोर्ट पे देखा था, कुछ इंडियन करेंसी में तो 400-500 रुपये में आराम से मिल जाता था। आई एम श्योर आपको जॉर्जिया में भी डेटा की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो आप सिम कार्ड एयरपोर्ट से पिक कर सकते हैं। प्राइसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगे। आप एयरपोर्ट पर पहुँच गए, सबसे पहले ज़रूरत होती है सिम कार्ड की, जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है कैश। कैश आप ATM से विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने फिर से हमेशा की तरह नियो का DCB वाला ग्लोबल डेबिट कार्ड यूज़ किया। हालाँकि ज़्यादातर जगह मैंने जो पेमेंट किए अपने
क्रेडिट कार्ड से पे किया जिसमें कोई फॉरेक्स मार्कअप नहीं लगता। मैं कई बार बता चुका हूँ RBL का वर्ल्ड सफारी कार्ड है वो मैंने यूज़ किया, कैश बहुत कम जगह यूज़ किया, एक या दो बार ही मुझे पूरे ट्रिप में विड्रॉ करना पड़ा था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरसिटी ट्रांसफर्स की, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर आप कैसे जाएंगे। उसका सबसे आसान और कन्वीनियंट तरीका है कि अगर आप 3-4 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कार रेंट पे ले लीजिए, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चलता है। हालांकि वहाँ पे ड्राइविंग जो है इंडिया के अपोजिट साइड में होती है, यानी कि आप कार में लेफ्ट साइड में बैठते हैं और रोड की राइट साइड पे ड्राइव करते हैं। अगर आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं तो कार रेंटल एक अच्छा ऑप्शन है। डिपेंडिंग आप कार रेंट कब बुक कर रहे हैं, आपके प्राइसेस पर डे लगभग 2,500 से 3,500-4,000 के बीच में आपको आराम से मिल जाता है, जो मैंने ऑनलाइन चेक किए थे। मैं स्क्रीन पर रेंज डाल दूंगा कि अप्रॉक्सीमेटली आपको कार रेंट पर डे कितने की मिलेगी। दूसरा, अगर आप कार ड्राइव करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पे दो ऐप बेस्ड टैक्सी चलती है मेनली, एक है यांडेक्स और दूसरी है बोल्ट। मैंने दोनों यूज़ की थी, यांडेक्स टिबलिसी में काफ़ी चल रही थी और बोल्ट कुटैसी और बाटूमी में। आप इंटरसिटी ट्रैवल के लिए भी बोल्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुटैसी से अगर आप बाटूमी जाना चाहें तो बोल्ट मैंने चेक किया था, प्राइस इंडियन करेंसी में खर्चा हो रहा था कुछ 3,200-3,300 रुपये। इसके अलावा बसेज हैं, कम्फर्टेबल हैं, कन्वीनियंट हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। मैंने एक ट्रिप भी की थी बस में, कुटैसी से बाटूमी में बस में गया था, काफ़ी कन्वीनियंट था। और प्राइसेज क्या थे एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा प्राइसेज कितने लगे थे, लगभग 120 किलोमीटर जाने के लिए, तो उससे आप बस के किराए का आइडिया लगा सकते हैं। और सबसे कन्वीनियंट मोड मुझे लगा था अगर आपको बाटूमी से स्पेशली टिबलिसी जाना है 350 किलोमीटर के आसपास, 300 से 350 किलोमीटर के बीच में टिबलिसी से बाटूमी कोस्ट से सेंटर, उसके लिए ट्रेन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। स्विस में ट्रेन चलती है स्टैंडर्ड करके, उसमें फर्स्ट क्लास में मैं गया था, उसका किराया था लगभग 2,500 रुपये। अगर आप सेकंड क्लास से जाना चाहें उसका किराया लगभग 1,100-1,200 रुपये। आप इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए इन चारों में से कोई भी मोड पिक कर सकते हैं, चाहे वो रेंटल कार हो, टैक्सी हो, बस हो या फिर ट्रेन हो, आपको कन्वीनियंस हर जगह मिलेगी और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इंटरसिटी की बात करते हैं, इंट्रासिटी ट्रैवल की, अगर आपको एक शहर में घूमना है, ऐप बेस्ड टैक्सी मैंने पहले आपको बताया था, ऐप बेस्ड टैक्सी बोल्ट और यांडेक्स दोनों ही चलती हैं और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। बेसिक फेयर कुछ इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 60 से 70 रुपये में शुरू होता है आपका बाटूमी में लगभग 1.5-2 किलोमीटर के लिए, और टिबलिसी में ये थोड़ा सा ज़्यादा है 100 रुपये के आसपास। बट कभी भी किसी भी ट्रिप पे मुझे 300 या 400 रुपये से ज़्यादा एक बार किसी ट्रिप पे देना नहीं पड़ा, और मैंने कई बार बोल्ट और यांडेक्स की टैक्सी यूज़ की थी बाटूमी में, कुटैसी में और टिबलिसी में, तीनों जगह पर। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक बसेज चलती हैं, बसेज में मैंने एक बार भी ट्रैवल नहीं किया तो मैं बसेज के बारे में कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता, बट आई एम श्योर वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल होगा। हाँ, टिबलिसी में, टिबलिसी की जो मेट्रो है काफ़ी पुरानी 60s की मेट्रो है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल पैसे नहीं लेते आपसे। आप एक स्टेशन जाइए या फिर लास्ट स्टेशन जाइए, आपके खर्चा होना है सिर्फ एक लारी यानी कि 31-32 रुपये, और काफ़ी कन्वीनियंट है, फास्ट है, ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो टिबलिसी में ट्रैवल करने के लिए आप मेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ऐप बेस्ड टैक्सीज। अगर आप लोगों को वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं फूड की। अगर हम फूड में इंडियन फूड की बात करें, वेजिटेरियन फूड की बात करें, आजकल दुनिया के हर कोने में आपको वेजिटेरियन और वीगन फूड मिल जाते हैं। सिंपली आपको गूगल मैप्स पर जाकर सर्च करना है वीगन फूड या वेजिटेरियन फूड नियर मी या इंडियन फूड नियर मी। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हर जगह हैं और फूड डिलीवरी ऐप से आप होटल में मंगा के खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। खाना अगर किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो प्राइसी था थोड़ा सा, लेकिन अगर आप किसी ठीक ठाक से रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 200-300-400 के बीच में आप आराम से एक मील ले सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट भी काफ़ी सारे हैं, टिबलिसी में, बाटूमी में, इवन पहाड़ों में काजबेगी में भी मैंने इंडियन रेस्टोरेंट देखे थे। तो खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो काफ़ी मज़े करेंगे। और हाँ, जॉर्जिया जा रहे हैं, वहाँ की दो फेमस डिशेज़ हैं, एक है खिनखाली डम्पलिंग होता है, मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, मैंने खिनखाली एक जगह ट्राई किया था, और दूसरा होता है कच्चापुरी, जॉर्जियन पिज़्ज़ा बोल सकते हैं उसको, चीज़ ब्रेड होता है। तो ये दोनों आइटम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अगर बात करें एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन जैसे कि मैंने आपको शुरू में 5 रीजन्स बताया था, उनमें से एक रीजन बताया था वैल्यू फॉर मनी, एग्जैक्टली वैसा ही है। अगर आप booking.com पे जाएंगे, बुकिंग एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी भी ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट पे जाएंगे, आप अच्छी रेटिंग वाले होटल सेलेक्ट करेंगे। बुकिंग पे मैंने 8+ सेलेक्ट किया था, आपको तीनों सिटीज़ में अगर 2-3 महीने पहले अगर आप बुक कर रहे हैं तो आपको 1,000-1,200+ में आराम से होटल मिल जाएंगे, चाहे वो टिबलिसी हो, काजबेगी हो या फिर बाटूमी हो, और काफ़ी ढंग के होटल्स मिल जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा जाएंगे 2,000-2,500 में आपको काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे।
और अगर हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स, अगर आपको अच्छे हॉस्टल्स में जाना है, सिंगल अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो 300-400 रुपये पर नाइट में आपको हर जगह पे बेड आराम से मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आइटनरी की। मैंने शुरू में बताया था कि 7 दिनों की आइटनरी होगी और डिटेल आइटनरी एक शीट बना के मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल होती है कि किस दिन में आप क्या करने वाले हैं। मैं ये 7 दिनों की आइटनरी आपसे शेयर कर रहा हूँ कंसिडरिंग कि आप दिल्ली से टिबलिसी जा रहे हैं और आप रात को टिबलिसी पहुँच रहे हैं। तो जिस रात को आप पहुँचेंगे लगभग 12:45 के आसपास उनका शेड्यूल्ड अराइवल टाइम है टिबलिसी में, तो आप पहली रात में जाके सो जाएंगे। पहले 2 दिनों में आप टिबलिसी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे सिटी में बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे नरिकाला फोर्ट्रेस है, बॉटनिकल गार्डन है, मैंने आपको डिटेल में दिखा रखा पहले भी। आप वहाँ पे जो रिवर है उसके अंदर रिवर क्रूज़ कर सकते हैं, रोपवे से ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा एक टाट्स मिंडा एम्यूज़मेंट पार्क है, वहाँ जा सकते हैं। होली ट्रिनिटी कैथेड्रल है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया था वो था वहाँ पे क्रॉनिकल्स ऑफ टिबलिसी, वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो इन 2 दिनों में आप टिबलिसी को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। आप तीसरे दिन सुबह सुबह उठ के एक डे ट्रिप पे निकल सकते हैं कॉकोसस माउंटेन की तरफ। वो डे ट्रिप पे आप कवर कर सकते हैं, रास्ते में पड़ता है जिनवाली रिजर्वायर, अनानूरी फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स, गुदौरी स्कीइंग रिजॉर्ट पड़ता है, फिर लास्ट में स्टीफेंस मिंडा यानी कि कास्बिकी का एरिया। और वहाँ पे माउंटेन टॉप पे बहुत ही बढ़िया सा एक चर्च है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा पूरा का पूरा दिन आप पहाड़ों के अंदर बिता सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ रात को रुक भी सकते हैं, जैसे मैं अपनी ट्रिप पे रुका था। मैंने डे टू लिया था लेकिन मैं रात को रुका था और अगले दिन वापस आया था। आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप वापस टिबलिसी आ जाइए। और नेक्स्ट डे यानी कि जो 4th डे होगा, उस दिन आप कुटेसी के लिए निकल जाइए। लगभग 4 घंटे की बस राइड होती है टिबलिसी से कुटेसी की। आप कुटेसी पहुँचिए, 4th दिन थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, कुटेसी सिटी को एक्सप्लोर कीजिए। काफ़ी लेट बैक सा अप्रोच है शहर का, टिबलिसी से आपको बहुत ही डिफरेंट, बहुत अलग वाइब्स आएंगी। 5वें दिन आप आराम से पूरा का पूरा दिन डेडिकेट कीजिए केव्स और कैनियंस के ट्रिप को। मार्ट वैली, ओकाटसे और प्रोमेथियस केव्स है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पूरा दिन आपका उसमें लगने वाला है। आप शाम को चाहें तो वापस आके बाटूमी जा सकते हैं, लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है कुटेसी से बाटूमी का, या फिर अगले दिन सुबह सुबह आप बाटूमी जा सकते हैं। बाटूमी में 6वां और 7वां दिन आप पूरा का पूरा डेडिकेट कीजिए। 6वें 7वें दिन में बाटूमी के बहुत सारी साइट्स देख सकते हैं, कैसिनोज हैं, बीचेस हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं। मुझे बाटूमी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा सुंदर साइट्स हैं। बाटूमी में आपका 2 दिन कैसे कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह उठिए, टिबलिसी आ जाइए। दिन भर थोड़ा सा टिबलिसी में आपको कुछ शॉपिंग करना है, कुछ देखना रह गया वो देखिए, और रात की वहाँ से आई थिंक 12 बजे के आसपास फ्लाइट है, वो पकड़ के आप दिल्ली आराम से पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ट्रिप हमने प्लान किया है इसमें एग्जैक्टली कितना खर्चा होने वाला है और आपको कितना बजट रखना चाहिए। मैं बजट के केस में हमेशा बताता हूँ कि ये बजट कपल के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बजट में हमेशा हाइयर साइड पे रखता हूँ, क्योंकि अगर आपका उससे कम खर्चा होगा तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बजट में, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है वो होता है फ़्लाइट का। इस केस में मैंने दिल्ली टिबलिसी की फ़्लाइट का खर्चा रखा 2 लोगों का लगभग 60,000 रुपये का, और वीज़ा का खर्चा होगा 2 लोगों का लगभग 6,000 रुपये का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन के लिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली रखा है 3,000 रुपये। 3,000 से कम ही आप आराम से आई एम श्योर मैनेज कर ले जाएंगे एकोमोडेशन को, अंटीरने से आप किसी लग्जरी होटल में रुकने वाले हैं। 3,000 पर नाइट के हिसाब से 7 रातों का जो मैंने कैलकुलेट किया वो 21,000 रुपये, अगर आप रात बढ़ाएंगे तो उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिम कार्ड की। सिम कार्ड मैंने अप्रॉक्सीमेटली रखा 400 रुपये। अगर आप 2 सिम कार्ड भी लेते हैं तो आपका खर्चा होगा 800 रुपये। फूड वाले कैटेगरी में मैंने कंसीडर किया कि ब्रेकफास्ट आपके होटल के साथ मिल रहा होगा। 2 मील अगर आप दिन में ले रहे हैं तो 12,000 रुपये में आराम से आप मैनेज कर लेंगे खाने को अपने ट्रिप में। उसके बाद अगर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, यानी कि अगर आपको टिबलिसी से कुटेसी जाना है, कुटेसी से बाटूमी जाना है, बाटूमी से आपको वापस टिबलिसी आना है, ये 3 इंटरसिटी ट्रिप्स हो रहे होंगे, उसके लिए रखा है लगभग मैंने 8,000 रुपये। वो भी कंसीडर करते हुए कि अगर आप बाटूमी से टिबलिसी फर्स्ट क्लास में आ रहे होंगे तो कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट आप आराम से 2 लोग 5,000 रुपये में मैनेज करेंगे पूरे ट्रिप में, जैसे मैंने आपको बताया था। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं। फिर बात करते हैं आपके टूर्स की। एक टूर मैंने बताया था आपको काजबेगी टूर, एक बताया कुटेसी का टूर। कुटेसी वाला टूर आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और ग्रुप में भी ले सकते हैं। अगर आप 2-3 लोग जा रहे हैं तो इंडिविजुअल लेना सेंसिबल है, यानी कि पूरी कार बुक करके घूम लीजिए। मैंने कितने में किया था उसके लिए आप कुटेसी वाला वीडियो देख लीजिएगा। और काजबेगी वाला टूर भी आप
अगर तीन लोग हैं तो कार लेके घूमना सेंसिबल है, अगर आप अकेले हैं या दो लोग हैं तो आप ग्रुप टूर ले सकते हैं। तो इन दोनों टूर्स के लिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली रखा 8,000 रुपये का बजट। इसके बाद बात करते हैं मिसेलेनियस, यानी कि कुछ और अट्रैक्शंस में आपको एंट्री फीस देनी हुई, कुछ और आपने खर्चा हुआ जो अभी आप फोर्सी नहीं कर पा रहे, उसके लिए मैंने रखा है लगभग 5,000 रुपये। तो इन सारे खर्चों को अगर हम जोड़ देंगे तो लगभग बनता है 1,23,800, यानी कि मोटा मोटी आप 1,25,000 मान लीजिए, 1,25,000 में आप 7-8 दिनों का ट्रिप जॉर्जिया का करके आराम से इंडिया वापस आ सकते हैं। मैंने जॉर्जिया में क्या क्या किया, कैसे एक्सप्लोर किया, कहाँ रुका, कैसे गया, कैसे आया, वो सारी की सारी जानकारी डिटेल में जानने के लिए लिंक स्क्रीन के कॉर्नर पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो चेक कीजिएगा। मैं आप लोगों से जल्दी एक नए डेस्टिनेशन के साथ मिलूंगा। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।